हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछली वीडियो में क्या स्टडी किया था, हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में स्टडी किया था और हमने ये देखा था कि कौन से मॉलिक्यूल्स के साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, राइट। तो आज हम स्टडी करेंगे इस बारे में कि जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है तो आपने देखा होगा एक वाइट वाइट कलर का हार्ड सब्सटेंस होता है जो यूज होता है, जिसे आप प्लास्टर कहते हो। तो प्लास्टर में एक्चुअली में क्या कंपाउंड यूज होता है और मोर इम्पोर्टेंटली क्यों वाला कंपाउंड यूज होता है, हम वो स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, पीओपी। आपने घर पे भी कभी ये टर्म सुनी होगी कि किसी के घर पे पीओपी हो रही है, वो यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हो रहा होता है। तो जनरली बोलते हैं कि पीओपी हो रही है घर में या दीवारों पर, राइट। तो अब क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हम केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। CaSO4.5H2O कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल वाटर का लगा हुआ है, या फिर हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट भी बोल सकते हैं इसे। ये उसका फॉर्मूला, ये हाफ क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा आई होप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये हाफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। मतलब जनरली जब आप मॉलिक्यूल्स देखते हो तो सर्कल फॉर्म में होता है, ये आधा मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि भाई सिर्फ आधा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, आधा मॉलिक्यूल तो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक्चुअल में क्या होता है, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट के जुड़े हों तो उसके साथ एक मॉलिक्यूल वाटर का जुड़ता है। वन यहां मैं लिख नहीं रही, बट दैट इज ऑब्वियस कि यहां कोई वर्ड नहीं है, मतलब वन है, राइट। तो दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ता है। तो इसी को इन्होंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि दो के साथ एक वाटर क्रिस्टलाइजेशन जुड़ता है तो एक के साथ कितना जुड़ेगा, आधा। तो इसलिए इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ बिकॉज काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधा मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका क्या मतलब है, राइट। सो ये है, इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब दूसरी बात, आपको लग रहा होगा ये पेरिस के नाम पे क्यों पड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यही नाम क्यों पड़ा। तो इसका रीजन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब बनता है तो ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम CaSO4.2H2O, यहाँ दो मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, इससे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम जनरली पेरिस में फाउंड होता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। दैट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपसे कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है, सिर्फ मैं जनरली बता रही हूँ। अब हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दिया है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू, क्या है ये हमारा जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करें 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, आई होप आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन का कन्वर्जन आता हो, हमने नाइन्थ में वाली चीज सीखी थी। तो हमने जब जिप्सम को हीट किया और तो क्या हुआ, इसमें से दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में से आधा मॉलिक्यूल निकल गया और बचा कितना, दो में से हाफ निकला तो 1/1/2 या फिर 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचा। आपको पता होगा यहाँ हाफ, यहाँ टू है, तो बचा कितना, 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बचा। तो अब आपको वही अगेन कंफ्यूजन आएगी कि आधा मॉलिक्यूल क्या है। तो एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी, पूरी रिएक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूं तो ये क्या होगा, यहाँ 2 लिख रही हूं मैं, यहाँ अगेन 2, यहां भी 2, विच मीन्स रिएक्शन, एक और बार मैं लिखकर दिखा रही हूं। तो यहां मैंने ये वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, रिएक्शन क्या बनी, 2CaSO4.2H2O gives CaSO4.H2O, यहाँ 2 था यहाँ हाफ था तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, CaSO4.5H2O प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3H2O। तो ये रिएक्शन ऐसी है, आपको एनसीईआरटी बुक में ये रिएक्शन इस फॉर्म में नहीं दिखेगी, इस फॉर्म में दिखेगी, कंफ्यूज मत होना, वही बात है, बस मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, राइट। तो ये 2CaSO4 अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिखे तो भी इक्वेशन सही है। ये क्या है, जिप्सम है, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब क्या होता है, जब ये वाली रिएक्शन हो रही होती है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा होता है, तो एक चीज का ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन से ज्यादा ना जाए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारा जो जिप्सम है वो डायरेक्टली सारे जो ये दो मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं दोनों के दोनों लूज कर देता है और CaSO4 बच जाता है, वो होता है डेड प्लास्टर। मैं रिएक्शन लिख कर दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दिया है, यही जिप्सम को अगर आप बहुत ज्यादा हीट कर दो, दैट इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसके दोनों मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं, बचता क्या है, CaSO4 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब इसमें पानी नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं डेड प्लास्टर, डेड प्लास्टर।
फास्टर। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब ये वाली रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो तो टेम्परेचर 100 डिग्री ही रखना होता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। सो अब कभी कभार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में भी वाला क्वेश्चन है। तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पहले मैंने रिएक्शन लिख दी है, ये है जिप्सम। जिप्सम को जब आपने हीट किया तो बना क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4.5H2O और 1/1/2 यानी 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल गए। अब ये जो पीओपी बना, ये जो पीओपी फॉर्म हुआ, अगर इसको ऐसे कंटेनर में रख दे जहां पे मॉइस्चर है या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स वो एब्जॉर्ब कर ले, तो वो क्या करता है, इसकी उल्टी रिएक्शन हो जाती है। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने आसपास एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेता है, कितना, 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये मॉइस्चर ले लेता है और बनता क्या है, CSO4.2H2O। यानी ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है। मैं लिखकर दिखा रही हूँ, CSO4.5H2O ये क्या करता है, आसपास वाला मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, कितने मॉलिक्यूल्स, 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और फॉर्म करता है CaSO4.2H2O। ये बनता है, यही रीजन होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हो, बिकॉज ये फॉर्म हो जाएगा और उसका कोई यूज नहीं है, राइट। सो अब कुछ यूजेस देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ का यूज होता है। सो मैंने यहाँ पे इसके यूजेस लिख दिए हैं, उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। CaSO4.5H2O इसका नेम, केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका नाम यही क्यों है, हेमीहाइड्रेट, इसका क्या मतलब होता है। हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, जैसे आप हेमिस्फीयर बोलते हो, मतलब आप इक्वेटर के नीचे या ऊपर वाला पार्ट की बात कर रहे हो, है ना, SST में जब आप हेमिस्फीयर बोलते हो। हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ और हाइड्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, वॉटर। हाइड्रेट वर्ड या हाइड्रेशन कहीं लिखा हो उसका मतलब वॉटर से रिलेटेड होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका मतलब है CSO4.5H2O, क्योंकि इसके साथ हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसलिए इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। अब इसके यूजेस हैं, फर्स्ट यूज है यूज टू फिक्स फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये आपको पता भी होगा फ्रैक्चर्ड बोन्स में यूज होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों यूज होता है, क्यों प्लास्टर को यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स में। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आपके, जब लेट सपोज किसी के बोन में, लेट सपोज रिस्ट में फ्रैक्चर हुआ, तो क्या करते हैं, डॉक्टर प्लास्टर लगाता है, यहाँ पे काफी बड़ा सा प्लास्टर लगाता है, व्हाइट कलर का हार्ड सब्सटेंस होता है वो, और वो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टाइम के साथ थोड़ा सा फूल जाता है, नेक्स्ट वो विद टाइम बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जब लगाते हैं तब इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन विद टाइम वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो वो हार्ड सब्सटेंस क्या कर रहा है, आपकी रिस्ट को स्टेबल रख रहा है, विच मीन्स वो टाइम दे रहा है कि ये रिस्ट हिले भी ना और यहाँ की बोन इस वाली बोन से वापस जुड़ जाए। यही रीजन होता है कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हो आप फ्रैक्चर्ड बोन्स में, बिकॉज वो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, वो स्टिफ बना के रखता है उस बोन को, हिलने नहीं देता और विद टाइम वो बोन हमारी सही हो जाती है। नेक्स्ट है यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड अदर डेकोरेशन मटेरियल। टॉयज के बनाने में भी ये यूज होता है और साथ में कुछ डेकोरेशन मटेरियल में भी यूज होता है। आपने घर पे जब पीओपी सुना होगा, कभी कभार फॉल सीलिंग जिसे कहते हैं, वहां भी यही चीज यूज होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कुछ डेकोरेशन करनी होती है वॉल्स पे या फिर सीलिंग पे, आपको अलग से कोई डेकोरेशन चाहिए, तो वहां प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज होता है। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर, पीओपी लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।